हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सेंट्रल बैंक की अगर आप टी पिन भूल गए हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन पिन भूल गए हैं, आप कहीं पे पेमेंट कर रहे थे और आपको याद नहीं है ट्रांजैक्शन पिन, तो वो किस तरह से आप बदल सकते हैं, उनको किस तरह से रीसेट कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं लॉगिन तो कर सकता हूँ एम पिन डालकर, मुझे याद है, लेकिन टी पिन मुझे याद नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो एक ऑप्शन है ये फॉरगॉट क्रीडेंशियल्स, इस पे हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, ये हमें इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए कुछ और ऑप्शन आ चुके हैं, फॉरगॉट यूजर आईडी भूल गए हैं तो इस पे क्लिक रहने देना है, लॉगिन पासवर्ड भूल गए हैं तो इस पे क्लिक कर देना है, और ट्रांजेक्शन पासवर्ड यानी कि टी पिन भूल गए हैं तो आपको इस पे क्लिक कर देना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और नीचे अभी हमें CIF नंबर डालने हैं। CIF नंबर दोस्तों आपके जो पासबुक है उस पे होता है, उस पे नहीं है तो आप अपने बैंक की ब्रांच में जाकर भी ये पता कर सकते हैं। दो ही तरीके हैं CIF नंबर पता करने के, या तो आप अपने पासबुक में चेक करें, उस पे अगर नहीं डला हुआ है तो आप ब्रांच में जाकर वो डलवा लें। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ CIF नंबर। तो CIF नंबर हमने डाल दिया है। CIF नंबर डालने के बाद नीचे सबमिट इस पे हमें क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पे एक OTP आएगा हमारे मोबाइल पे, ये देखिए आ चुका है, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है बैंक के साथ उस पे ही आएगा, ये मैं डाल देता हूँ। ठीक है, ये OTP हमने डाल दिया है। ठीक है, OTP डालने के बाद यहाँ पे देखिए रीजनरेट भी आप कर सकते हैं, OTP अगर आपके पास नहीं आया है या एक्सपायर हो गया तो रीजनरेट इस पे क्लिक करेंगे, और OTP डालने के बाद प्रोसीड इस पे हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए यूजर ऑथेंटिकेशन आपको करना है, तो आपके पास अगर डेबिट कार्ड है तो आपको डेबिट कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग अगर आपको पास है, आपको यूजर नेम और पासवर्ड याद है तो ये सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे आपको यूजर आईडी और नीचे पासवर्ड डालने हैं। ये नहीं है तो आप ब्रांच से भी एक टोकन जनरेट करवा सकते हैं कि मुझे अपना पिन रीसेट करना है, और टोकन आप जनरेट कर दो, वो टोकन आपको यहाँ पे डालना है 6-digit टोकन, और वो भी नहीं है तो आप ATM में जाकर भी ये कर सकते हैं, आई विल डू इट यूजिंग ATM मशीन, तो फिर यहाँ पे सबमिट आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास ATM कार्ड है यानी कि डेबिट कार्ड है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे नीचे एंटर कार्ड नंबर, कार्ड के 16 नंबर जो होते हैं वो हमें यहाँ पे डालने हैं, फिर मंथ सिलेक्ट करना है और फिर ईयर सिलेक्ट करनी है। तो एक बार मैं 16 नंबर डाल देता हूँ कार्ड के, तो मैंने कार्ड नंबर डाल दिए हैं, अभी यहाँ पे मंथ सिलेक्ट कर लेते हैं हम, एक्सपायरी मंथ आपको सिलेक्ट करना है, उस पर वैलिड थ्रू लिखा हुआ होता है आपके कार्ड पे, वो सिलेक्ट करना है, तो 6 है मेरा, और ईयर हमें सिलेक्ट करनी है, ईयर है हमारी 2028, तो ये 2028 मैंने सिलेक्ट कर ली है। ठीक है, अभी नीचे सबमिट इस पर हमें क्लिक कर देना है। अभी देखिए डेबिट कार्ड वैलिडेशन कम्प्लीट हो गया है, अभी ओके दबाएंगे हम, और यहाँ पे देखिए न्यू टी पिन हमें बनाना है, और कन्फर्म न्यू टी पिन यानी कि यहाँ पे हमें एक 8 अंकों का टी पिन बनाना है, और दोबारा से वही टी पिन हमें यहाँ पे भी डाल देना है। 8 से 10 कैरेक्टर्स होने चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, जैसे कि रवि 1234, इस तरह से अल्फा न्यूमेरिक जिसमें लेटर्स भी हो और नंबर्स भी हो। तो मैं एक बार बना लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं टी पिन, और नीचे सबमिट इस पे हमें क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पे देखिए न्यू ट्रांजेक्शन पिन सेट सक्सेसफुली, तो हमारी जो नई ट्रांजेक्शन पिन है वो सक्सेसफुली सेट हो चुकी है, और आप अभी कहीं पे भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो पिन आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो, किस तरह से हम टी पिन रीसेट करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और इस तरह की और वीडियोज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद, जय हिंद।